तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड हिंदी में ना जी, सेकंड हिंदी में परसों लेखक परिचय करा थे, उसमें बताया थे कि नगर कहानी, नगर कहानी किस भाषा में है? तमिल भाषा। तमिल भाषा में, तमिल भाषा में ना जी। यस सर। इसके लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता, क्या नाम है? सुजाता। पूरा नाम है एस एस रंग राजन। बताइए एस रंग राजन जो है किस भाषा में कविता लिखते हैं, सॉरी कहानी लिखते हैं? तमिल। सेंस तो डेवलप करो ही, बिल्कुल, अगर नहीं कर पाओगे तो समस्याएं होंगी। आपको हम पढ़ा के भेजेंगे कि नगर कहानी के लेखक सुजाता है, उनका पूरा नाम एस रंग राजन है। अब सवाल वहाँ पूछेगा एस रंग राजन किस भाषा के लेखक है, कहना कंफ्यूज होइएगा, आपको पता होना चाहिए ना किस भाषा में है। तमिल। अच्छा बताइए इस नगर कहानी तमिल भाषा में था, इसको हिंदी रूपांतरण किसने किया? के जमुना ने। किसने? जमुना ने। बसरन जी, के ए जमुना। इन्हीं की एक दो उपन्यास है जिसका नाम है करैये लान से नवा कपू। क्या नाम है? करैये लान से नवा कपू। ठीक से बोले, करैये लान से नवा कपू। करैये लान से नवा कपू। आओ कानबूत तोलिर साले। कानबूत तोलिर साले। कहता है ना कि कान गली हो तो तोरो साले देख लियो। देखा था रे कानबूत तोलिर साले। बात समझ रहे ना? इस नगर कहानी में ये बहुत अच्छा नगर का वर्णन किए हैं। इस जो नगर कहानी है इसमें जो है एक तमिलनाडु, तमिलनाडु समझते हैं ना? यस सर। जिसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई। तमिलनाडु राज्य के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शहर जिसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है, मंदिरों का नगर कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है पिछले बार, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? डायरेक्ट मंदिरों का नगर कहा जाता है, मंदिरों का स्वर्ग कहा जाता है, मंदिरों का गलियारा कहा जाता है। वही शहर मदुरई है। कौन सा शहर है? मदुरई। एक वहाँ की भारत की ही सबसे प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी मंदिर स्थित मदुरई में है। कहाँ है मीनाक्षी मंदिर? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है रे? मदुरई में। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। चॉइस में मदुरई देवे नहीं किया, चॉइस में दिया है बिहार, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्या आंसर होगा? तमिलनाडु। आपसे पूछेगा मीनाक्षी मंदिर किस प्रांत में है, तो किस प्रांत में? तमिलनाडु। प्रांत, प्रांत का मतलब राज्य होता है। यस सर। प्रांत मतलब राज्य। हाँ तो पूछा जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर किस प्रांत में है? तमिलनाडु प्रांत में। तमिलनाडु प्रांत, बस हो ना? यस सर। अब चलिए इस कहानी में बताए हैं, सॉरी इसमें बताए हैं कि लेखक सुजाता जी हैं, उनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को कहाँ हुआ था? चेन्नई में। अब देखिए इस कहानी में जो कहानी है उस कहानी का मुख्य किरदार, कैरेक्टर, पात्र, मुख्य पात्र जो है जिनका नाम है पपाती। क्या नाम है रे? पपाती। देखो बली अम्बाल को 12-13 साल के लिए, पपाती को उम्र कितना है? 12 से 13 साल। हाँ डायरेक्ट किसी को 12 नहीं मान सकते और 13 नहीं मान सकते, 12 या 13 साल की थी। कौन थी? पपाती। पपाती को पहला दिन बुखार आया था। क्या आया था? बुखार। और दूसरे दिन जो था उसको एक बीमारी का पता चला, उस बीमारी का नाम था एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस। क्या था रे? एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस। क्या नाम है? मेनिनजाइटिस। याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, एक गाना चला था बहुत फेमस, भौजी है काथी कही ओकरा लवलाइटिस धैलेवा। वैसे ही एक होता है मेनिनजाइटिस। क्या होता है? मेनिनजाइटिस में क्या होता है कि दिमाग पर ना बुखार चढ़ जाता है, काथी का लवलाइटिस में प्यार का बुखार चढ़ जाता है। अब मेनिनजाइटिस में एहन बुखार चढ़ता है कि तुरा लेने देने सीधे मेल्हारा तारी सिमरिया सब पार करा देता है। कौन सा बीमारी होता है? एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस। लिख लीजिएगा एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस। हाँ देख लेना, टेम्पू चला रहा है कि? कल्पना जी गाना गाई थी, हमको इस गाने से याद रहता है इसका बीमारी का नाम क्या लिखे हटी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे
कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेगा हाँ, कहेगा सर दो प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में चार प्रकार के होते हैं, लेकिन हम तुमको जो है पांच छह प्रकार के बता सकते हैं, छह प्रकार। अब कहिएगा सर आप कैसे छह को बता, आप कहें लंदन से पढ़ का है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुलिंग, एक होता है उभय लिंग, एक होता है नपुंसक लिंग, एक होता है शिवलिंग, एक होता है डार्लिंग। छह प्रकार हो गया, लिंग छह प्रकार हुआ। यस सर, जब भी आप गिनिएगा तो गिना दीजिएगा। यस सर, आप कहिएगा सर आप ऐसा क्यों बोले, ऐसा इसलिए बोले ज्ञान को बढ़ाओ। वो कहता है कि समास कितने होते हैं, तो कह देता है कि सर जी चार होता है, चार हुआ, अरे लोल छह होगा, चार होगा, छह होगा। बी ए में पढ़ेगा तो चार, नौवा दसवा पढ़ेगा तो छह। अब कहेगा सर ये कौन बात हो। हाँ, तो जितना बड़ा होगा उतना दिमाग कम होते जाता है ना, तो बढ़ता है दिमाग, उल्टे बोलता है, कम होते जाता है। बकोर दो एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस। देखिए बता देते हैं आपको, जब ब्रेन नामक चैप्टर पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि मस्तिष्क में जो ई जो होता है 22 गो खोपड़ी, हाँ 22 खोपड़ी होता है, उस 22 खोपड़ी में पॉज करो, पॉज पॉज, आधा को बाद में स्टार्ट करें, चले। तो हम बता रहे थे कि इसमें मुख्य पात्र जो है कौन है, पापाती, पापाती, पापती नरे, पापाती, याद रखना पपीता, पापाती क्या था, उनकी माँ का नाम है बली अम्माल, क्या बली अम्माल, बली अम्माल, हाँ बली अम्माल, बली अम्माल, और उनका गांव का नाम है मुनान डिपटिट, याद रखना मुनान डिपटिट, डिप टिप मुनान डिपटिट, समझ है ना, गांव का नाम। सब कुछ याद रखना पड़ेगा वरना परीक्षा में वर्क नहीं कर पाओगे, सर्व नहीं कर, सर्व मतलब सर्वाइव करना, चल नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत होगा। आप समझिए, देखिए इस कहानी में क्या होता है, इसका ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में 12 से 13 साल की लड़की है, फील करो कहानी को, फील कीजिएगा तो आपको लगेगा। देखो वैसा सोचो जिसके परिवार में एक लड़की हो, उसका पति मर गया हो, बेचारी अकेली हो, इस सिचुएशन में है। अब फील कीजिए कि व्हाइट कलर का साड़ी पहने हुए, वैसे भी औरत का पति जब मर जाता है तो लोग आधा से अधिक व्हाइट थीम रहता है, और हम लोग का स्कूल में ड्रेस दिया जाता है व्हाइट पेंट व्हाइट शर्ट, तो मतलब आप लोग को विधवे करके वहाँ बुलाया जाता है, हमको 15 अगस्त 26 जनवरी विधवा बना दिया था, 26 जनवरी एकदम टू दी पॉइंट लग रहे थे, हम इनको फोटो भी देखे, फोटो भी वही लगा, फोटो वही लगा। चले समझते व्हाट्सएप पर, चले समझते। इस कहानी में जो एक औरत रहती है और उसका एक बेटी रहता है, बेटी आज से साउथी फिल्म देखा है, yes, yes, साउथी फिल्म में देखिएगा कि लड़कियां जो है ऐसे करके चंदन लगाए, yes, yes, और सब ऐसे करके चंदन लगे नहीं, नहीं लगे रहते, yes, आप फील करो कि एक लड़की है और सुनिए उसको ना पहला दिन बुखार आया था। ऑब्जेक्टिव बहुत हिट हिट सवाल है कि पपाती को पहले दिन क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, बुखार लगा था। वो क्या होता है, गाँव के पाथ गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर क्या करती है कि जाती है ना, तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो चिकित्सक महोदय थे यानी डॉक्टर साहब थे, वो क्या करती है पपाती को कहते हैं कि ये दवा आपको दे रहे हैं लेकिन आपके पपाती को शहर ले जाने की जरूरत है, कहाँ या नगर ले जाने, कहाँ ले जाना, नगर ले जाना, तो कहे कि शहर ले जाना पड़ेगा, तो बेचारी बहुत गंभीर स्थिति में हो गई, मैंने अचंभित हो जाए। अब मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है और किसी बढ़िया अपने विश्वासी डॉक्टर के पास जाओ और वो डॉक्टर कहे कि इसको दूसरे जगह ले जाना है, तो उसको टेंशन हो जाएगा, होगा कि ना बड़े। वैसे भी बली अम्माल बहुत गाँव की औरत थी, धान बेचारी खेती बाड़ी किया करती थी, धान हुआ करता था, हम बताए थे ना किसान में धान होता हुआ, धान की खेती करती थी, धान बेचारी को मिलता था अनाज उनाज में, वही खाती थी, कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, पति भी मरा हुआ था, एक वो बेटी ये था ही, जिसका क्या नाम था, पापा, कितने साल की थी,
और उसको भी बहुत तेज बुखार आ रहा था। तो क्या हुआ कि कहा गया कि जो आप जो है सुबह सवेरे की बस से, किसे सुबह सवेरे की बस से 7 बजे बस आती है, उस बस में चढ़कर आपको शहर के बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। शहर में बड़ा अस्पताल है, उसका नाम है बहिरंगा अस्पताल। क्या नाम है रे? बहिरंगा अस्पताल। कहीं कहीं बहिरंगा विभाग भी दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि उसमें सुनिए कि वो लड़की जो है, मतलब उसके माँ जो है सुबह सवेरे अपने घर के देवी देवता को प्रणाम करके चल देती है। कैसा सुनिए, देवी देवता को प्रणाम करके चल देती है। और होता क्या है सो समझिए, जब वो चलती है तो उसमें देखिए सड़क पर जब पहुंचती है तो एक पांडियन बस सर्विस है। कौन सा बस सर्विस? पांडियन बस सर्विस। याद रखिएगा, पूछ देगा पांडियन बस सर्विस, पांडियन देख लेना, पांडियन बस सर्विस, बस सर्विस इसका नाम है। कभी कभी टबरगिया नौ भी देता है तो यह नौ दे देना, टबरगिया नौ, पांडियन बस सर्विस नाम है। और बस पीला रंग का है। किस रंग का? पीला रंग। रंग भी पूछा पिछले बार से, इससे पिछले बार जो एग्जाम हुआ ना उसमें पूछा है नगर कहानी में पांडियन बस सर्विस जो है उसका रंग कैसा है, कौन से रंग में, कौन से रंग के बस पे चढ़ के आई थी, कैसा रंग था? पीला। पीला पीला रंग था बस का। ठीक है जी, अब समझते हैं क्या होता है कि लड़की उसकी माँ बस में सवार होती है और शहर की ओर आती है। सुनिए, शहर की ओर जब आती है तो वो कभी गांव से शहर नहीं आई थी, अपना पूरा जीवन कहाँ बिताई थी? गांव। उसके बावजूद उसकी बेटी को ऐसा बीमारी लगा, रोग लगा, तो उसको शहर आना पड़ा। कहाँ आना पड़ा? शहर आना पड़ा। शहर आई ना, तो जो लोग जैसे बचपन में आप लोग भी कभी भी अगर आपको पटना आठवां में पढ़ते होंगे तो आपको एक बार ले आ जाता है कि गोलघर चिड़ियाघर या फिर सब कुछ दिखाने के ले जा जाता है। आप लोग बड़े शहरों में पहली बार गए होंगे तो मन करता होगा कि यही घर रहता ना तो खूब रहते। जो जो गए होंगे उसको पता लग रहा है नहीं किसको किसको किसको, कोई कोई आदमी बताइए इसमें से, कोई आदमी है जो शहर की ओर गए थे, गए हैं वो चिड़ियाघर घूमने के लिए पहली बार गए हो? गई है? इम्पॉसिबल। गई होगी तो एहसास होता हुआ कि हम घर रहते तो बहुत बढ़िया लगता कि नहीं, ऐसा फील होता क्योंकि हम गांव से हैं, हम लोग गांव से हैं, ऐसा होता हुआ। तो फिर क्या हुआ कि सुनिए वैसा ही जो है, हम एक बार गए हुए थे देवघर, समझ गए ना, पहली बार गांव से किसी शहर की ओर देवघर गए थे। देवघर में देखे तो बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ताकते रह जाते थे, जबकि कोई उतना खास वहाँ देवघर में है भी नहीं। उसके बाद जब बड़े बड़े शहरों को घूमने तब लगा के तो पिद्दी सकत जगह है, गलियों में घूमना क्योंकि आधा देवघर तो गली में है, पूरा गली ही गली है सिर्फ उसमें। अब सुनिए इसमें क्या होता है मेन किस्सा, पांडियन बस सर्विस जो ही उतरी तो वहीं पर हॉस्पिटल के बगल में नास्तिक लोग, दिन था 30/7/1973 का। कौन सा दिन था रे? 30/7/1973 का। आप समझ लेना जुलाई है, 30 जुलाई 1973 ईस्वी का दिन था। और उसी दिन नास्तिक लोग, नास्तिक लोग मैंने पूछते हैं देखिएगा कि सॉरी उसमें देखिएगा क्या आप जो है मटकुरी लेके आप मटकुरी में आग जला के उसका वो लोग विरोध कर रहे थे महंगाई का। औरत नास्तिक, नास्तिक मतलब होता है जो ईश्वर को ना मानता, बस समझ ना। अब नास्तिक मतलब कुछ और हो सकता है लेकिन रियल मतलब क्या है, मतलब ईश्वर को ना मानने वाला सीधा सीधा। वो लोग क्या करता है मटकुरी में आग जला के, आग धधक रहा है, उसके बाद जो है सो लोग नारा लगाते हुए जा रहा है और महंगाई का विरोध में नारा लगा, किसमें विरोध में लगा रहा है महंगाई। और देखिए और उसके बाद और क्या देखते हैं, देखिए एगो एकदम कुपोषित आदमी, कुपोषित समझते हैं, एकदम पतला डुबला एकदम लाठी लिए हुए पुलिस की तरह खड़ा, पहले से कुपोषित है, अब बताइए पुलिस में भर्ती है, हाइट छोट हो लाठी लेके खड़ा हो, ऐसा देखती है। और क्या देखती है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में ही यानी अस्पताल के बगल में ही एक हाजी मूसा, हाजी मूसा का कपड़ा का दुकान है, नाम है कपड़ों का सागर। क्या नाम है रे? कपड़ों का सागर। बहुत बार पूछा गया कपड़ों का सागर,
कपड़ों का क्या है? कपड़ों का सागर नाम है उस दुकान का, या कपड़ों का सागर या संसार कहीं भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है कहानी में होता क्या है, पोपाती जो ही शहर पहुंचती है, बलि अम्बाल जो ही समझ शहर पहुंचती है अपने बेटी को लेकर, उसी वक्त जो है वहाँ पर ये सब देखते हैं। और देखे देखा क्या जाता है कि वहाँ पर लोग पानी के लिए भी मार करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में पानी का कमी होता है और पानी के लिए भी मार होता है। और पानी जो होता है, पानी में एक बीमारी होता है जिसको बीमारी का नाम हैजा है। क्या होता है? हैजा में होता क्या है तो लोग हैजा हौस है, हैजा हौस मतलब लैटिन करते करते अपने हगते हगते मर जाता है, बस वो ना हैजा हो जाता है उसको बीमारी, अगर दूषित जल होगा तो। कहाँ देख रहा है अभी बोर्ड उधर लगल है चट्टा समझो। उसी वक्त जो ही अब शहर पहुंची ना, एक स्ट्रेचर बुलाया, स्ट्रेचर समझते हैं? यस सर। जो चार को पहिया लगा गुरका में बल्ला रहता है उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। हाँ, इसमें किताब में भी स्ट्रेचर है लिखा, देखते हो किसी को लाश को सुता के फिली मुले में गुरका के दौड़ने में आईसीयू में भर्ती कराता दौड़ते दौड़ते, उसको स्ट्रेचर बोला जाता। क्या बोला था? जो ही पपाती पहुंची थी उसकी बलि अम्बाल माँ जो है ये सब कुछ देख रही है, उधर महंगाई का विरोध हो रहा है, उधर कपड़ा का दुकान है, उधर कुपोषित आदमी है, उधर लोग पानी के लिए लड़ रहा है। फिल्म में देखा है, तमिल फिल्म में अक्सर दिखाया जाता है, साउथी फिल्म में डिब्बा लेकर पानी के लिए झगड़ा वाला फिल्म अक्सर दिखाया जाता है, मारपीट होता है, उस रियल में घटना है। और क्या होता है उसके बाद इधर से कि सभी जितना भी डॉक्टर थे उस लड़की को घेर लिए और स्ट्रेचर पर इसको सुलाया गया, और बड़े डॉक्टर जो थे बहुत जल्दी में थे। बहुत जल्दी मतलब क्या था कि बड़े एमडी जो होता है ना, मास्टर्स जो डॉक्टरेट ऑफ मास्टर्स कहता है, वो सबको पढ़ाते थे बड़े डॉक्टर, समझ रहे ना। एक होता है डीन, डीन मतलब समझते हैं, डीन बोला जाता है डॉक्टर में ना, एक डीन होता है, डीन नहीं डीन, डीन मतलब होता है अध्यक्ष। क्या होता है? अब जैसे अब अपने विद्यालय के, अब मान लीजिए कि आपके विद्यालय के हेड कौन है? प्रधानाचार्य। हाई स्कूल में होते हैं तो प्राचार्य, कॉलेज में प्राचार्य, कॉलेज में प्राचार्य, या उसमें हाई स्कूल प्रधानाचार्य होते हैं, होते हैं ना। yes, तो वैसे ही डॉक्टर में ना जो हेड होते हैं ना, अध्यक्ष होते हैं, उसको डीन बोला जाता है। क्या बोलता है? डीन। अब आपको नहीं विश्वास है तो मुन्ना भाई MBBS में देखिए, उसमें डीन रहते हैं कौन, वो जो क्या नाम है उसको जो हेड रहता है जिसकी बेटी से शादी हुई करता है, उसका डीन नाम रहता है, समझिएगा। बड़े डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर क्या, बड़े डॉक्टर का नाम क्या है? श्रीनिवास। श्रीनिवास वो जो है डॉक्टर साहब, लड़की को आंख खोल के देखते हैं, दोनों आंख खोल के देख लिए, और लड़की को जब सब देख रहे थे ना तो जो ही सूर्य का प्रकाश पड़ता था ना तो लड़की के नाक पर एगो नग वाला नहीं होता जी, नाक वाला वो पहरे हुई थी ना लड़की, कौन? पपाती। उस वो जो है चमक जो रहा था ना, से बलि अम्बाल बहुत प्रसन्न होती है कि बताओ कितना हमारी बेटी अभी सुंदर लग रही है, देखने में तो काली थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नाक जो चमका ना था उसकी माँ एकदम मानो कि मन में खुशी सा भर गया हो और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन समस्या ये है कि वो बीमार है उस समय और उसको स्ट्रेचर पर सुलाया गया है और डॉक्टर सब जो है सो चेक कर रहा है। चेक करके बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर जो थे अन्य डॉक्टर धनशेखरन को कहते हैं कि इस लड़की को जल्दी से एडमिट किया जाए, दिस केस हैज बीन सीरियस मैटर, जो भी कहा था डॉक्टर ने कि सीरियस मैटर है, इसको जल्दी से क्रिटिकल है, जो भी है सीरियस है सबको देखे उसको भर्ती कराया जाए। और श्रीनिवास जी जो कहते हैं कि हमको क्लास लेना है तो आप लोग इसको जल्दी से भर्ती कराओ। और क्या होता है कहते हैं ठीक है सर, ठीक है सर, बड़ा डॉक्टर सर सरकार था प्रीति सर, जी सर, जी सर, चारों सौ तो घेरे हुए था, बड़े डॉक्टर गए तो सात को चार पांच को चली हो गया। तो ये डॉक्टर धनशेखरन क्या करता है, एक पर्ची लिख के देता है और कहता है कि आप इधर से चले जाइए, एक सज्जन व्यक्ति बैठे होंगे उनको पूरा बायोडाटा बताइएगा और आपको एक पर्ची देंगे, वो पर्ची लेके आइए, इसको भर्ती कर लें। जो ही जो लड़की महिला जो है बलि अम्बाल
सिर्फ बलिया माल थी या नहीं तो पपाती थी उसके पास अलग रूम था ही नहीं जो कोई वहाँ रहता ला ये क्या बोलते पेशेंट के साथ तो पेशेंट को ले के उधर साइड किया गया साइड में सटा दिया गया और ये जो बलिया माल बेचारी दौड़ल दौड़ल गई कि जल्दी से जाएंगे पर्ची कटवाएंगे आएंगे बेटी के पास तुरंत इलाज हो जाएगा लेकिन होता क्या है कि जब वहाँ पहुँचती है बताता है कि उधर जाना है तो उधर जा पहुँचती है देखती है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं है खाली कुर्सी खाली है तब दो चार मिनट खड़ी रहती है खड़ा रहने के बाद तब तक बहुत लोग का भीड़ लग जाता है तब खड़े रहती है तब उधर से एक सज्जन आदमी गला में रुमाल उमाल डाले हुए हाँ मुँह में पान उन दिए हुए आते हैं आने के साथ वहाँ बैठते हैं बैठने पर पूछ देते हैं हाँ तो बोलिए किसको किसको क्या काम है तो वो पर्ची लेके देते हैं जो आधा घंटा हो चुका था बलिया माल पर्ची लेके देते हैं और कहते हैं कि जो दिए हैं तो वो बेचारे क्या करते हैं कि वो देख लेते हैं कहते हैं इस पर डॉक्टर का साइन ही नहीं है डॉक्टर का साइन करवा के लाओ अब वो कहते फिर वो निकली तो कोई आदमी बताया कि जो आप उधर से जाइएगा ना तो वहाँ पर डॉक्टर जो है सो बैठल मिलेंगे तब क्या होता है कि दौड़ल दौड़ल फिर जाती है तो वहाँ पर जो जो आदमी बैठल था सज्जन वो पूछता है उसे पूछताछ इंक्वायरी में पहले पूछताछ होता है तो पूछा जाता है कि आपके पति कहाँ है तो नहीं बोली फिर दोबारा कहते तब क्वेश्चन चेंज कर दिया और कहता है कहे पूछता है तो बताओ आपका जो है सो आपका नाम क्या है तब वो कहते वो मर चुके हैं मर चुके हैं तुम्हारा नाम क्या है तो कहता है कि जो मर चुके हैं अब फिर कहता कि पेशेंट का नाम क्या है तब वो कहते पेशेंट तो मरीज समझाने के बाद वो अपना पूरा डाटा देती और पूछती है कि कमाती कितना हो तो कहा कि कमाते कहाँ हम लोग को कम जो भी कमाते हैं उसमें खाली धाने मिलता है क्या मिलता है उसको कुछ दूसरे धान मिलता था तो कमाते क्या थे धाने कमाते तो बहुत थेतरे होता है इस किताब में आपको दिया हुआ है देखिए पूछा कैसे जाता है वो आपको बता दे रहे हैं उसे क्या होगा कि आप समझ जाओगे कि इसमें जैसे देखिए यहाँ पूछा गया देखिए पूछा गया पेशेंट का नाम तो कह रहे वह मर चुके श्रीनिवास जी सिर उठाकर देखा पेशेंट यानी रोगी किसे भर्ती करना है तो मेरी बेटी का तो नाम क्या है तो बली अम्माल क्या मजाक कर रही हो तेरी बेटी का नाम क्या है पपाती बसरन बहुत कंफ्यूज थी कंफ्यूज होने का मेन मकसद क्या है जानते हैं मेन कंफ्यूजन का जड़ था और बेचारी अकेले थी कभी शहर ना आया हो और घूम घुमा वाला नौटंकी उसको बहुत बुरा लग रहा था बस समझ रहे ना तब जाकर जब आगे जाती है तब उसके बाद पूछा जाता है कि मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा तो तू कहाँ आई है कहाँ से आई है तो कहते हैं मुनान डिप्टिट कहाँ से मुनान डिप्टिट से तो कह रहा है कि तेरा पति कितना कमाता है तो वह मर चुके हैं वह मर चुके हैं तेरा वेतन कितना है तो वह मर चुके हैं तब उसको गुस्सा उठता है तब तब बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ कमाती क्या है सिर्फ बस है ना अब देखिए उस कहानी में क्या होता है कि जब वो महिला आती है और उसको फिर से लाइन में लगा दिया जाता है किसमें लगा दिया जाता है लाइन में लगा दिया जाता है और उसकी बेटी को जो वहाँ बाहर में थी उसको ना स्टाफ लोग उठा के और कमरा नंबर 48 में धर देता है क्या करता है कमरा नंबर 48 में धर देता है और फिर से जब किसी ने बताया कि आप इधर से जाइएगा तो बाएं में से आपको जाना है और तीर के निशान बना लो उधर आपको जाना है ये लड़की परेशान थी बलिया माल उसकी माँ बहुत परेशान थी कि हमारी बेटी अकेले है उसको छोड़े हुए डेढ़ घंटा हो चुका है कितना घंटा डेढ़ घंटा हो चुका है कैसी होगी नहीं होगी वो छटपटा रही थी फिर क्या होता है कि जब वहाँ फिर पहुँचती है तो देखती है सब पूरा बायोडाटा देने के बाद पूछता है कि किधर जाए तो बोला कि उधर से जाइए तब जाकर क्या होता है कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखता है कि बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है उस लंबा लाइन में वो भी लग जाती है ना उससे पहले एक छोटा सा घटना छूट गया जब वो इधर उधर कर रही थी ना तो वो बेचारी छटपटा रही थी तो एक अमल राज नाम का
अमल राज समझते हैं? अमल राज मतलब वहाँ पे एक नौकर था, चपरासी में तो झाड़ू पोछा लगा। आप वैसे भी देखिएगा नौकर लोग झाड़ू पोछा लगाते लगाते परेशान रहेगा। आप धरफर में जाइएगा गंदे पैर खाली चप्पल लेना और उसे घुस जाएगा तो उसे भी घुसाएगा, घुसा जाता है तो उसे घुसाता है ना तो और बताता है कि इधर जाओ और वो बेचारी गलती मानने लगती थी। कहता है यहाँ कौन विजय रंगम है? विजय रंगम मतलब समझते हैं ना, बताए हैं पहले, बताए थे विजय रंगम का मतलब होता है राजा, बताए थे ना जी। विजय रंगम का मतलब क्या होता है? राजा। और विवाह करना का क्या होता है? ओना पानी करण। क्या बोलते रहे? ओना पानी करण मतलब लड़की आपके मुंह पर तीन बार थूक दिया तो ओना पानी करण हो गया, समझ रहे ना? कहता ओना पानी करण, ओना पानी पानी मुंह पर थूकेगा, ओना पानी। कंफ्यूज का है उधर है, थूकता है तो बढ़िया बात है ना रे, बढ़िया फेंक देगा ना पूछ के बिना तेरा ना हो दिल दिल था एकदम कठिन। आपको हुआ अभी आने होगा आपको हुआ? मैं हमरा वाला पानीकरण करने के लिए अभी समय है, बसोरा रे समय है, अभी होगा तो देखेगा थूक देगा तो कोई बात नहीं, हम पूछ के ना खटा लेके बिया धो रहा है, ये जरूरी है कि बिया जरूरी है? चलिए समझते हैं। हाँ चार पांच साल रुक जाइए। हाँ लड़की मिले वो भी जिंदा खाली, बस काम चाहिए। चलिए सुनो, इस कहानी में आगे होता है कि बेचारी लाइन लगती है, लंबा लाइन तय करने के बाद उसका ये क्लियर होता है कि इसको अंतिम में वहां जब पहुंचती है ना तो पुर्जा देख के डॉक्टर वो बैठल जो था जो भी काम कर रहा था वो कहता है कि सीट खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। बेड जबकि 5-7 को खाली था और तुरंत उस ससुरा अपना भतीजा को भर्ती करा कराया था सीट पर और कहा कि बेड खाली नहीं है, से आप जो है से डॉक्टर से लिखवा के लाओ। इसका तो दिमाग पारा चढ़ गया और पारा चढ़ाना था और किसी को मत गरिया, सिर्फ दूल्हे को गरिया रहे, मर गए रे हमारा छोड़ गए माथा के घे हम यहाँ मरे थी खूब भरदम, किसको करिया दूल्हे को धर कर रेलने थी पकड़ के। क्या हुआ कि उसके बाद देखिए क्या होता है कि बलिया माल जब आती है दौड़ दौड़ तो देखती है कि जहाँ पे बेटी को छोड़ी थी बाहर में और प्लान बना लेती है कि अब हमको यहाँ देखवाना उखवाना नहीं है, हमको जो होगा गाँव में ही हम देखवा लेंगे, चाहे मरे चाहे बेटे पर रहे। क्या होता है बाहर आती है देखती है कि उसका बेटी बेटी वहाँ पर है ये नहीं है, स्ट्रेचरे नहीं है। हाँ उधर जो है सो ये जो पुर्जा ने जो दिखाया गया था पुर्जा वो 3 नंबर कमरा था, कौन सा नंबर कमरा था? 3 नंबर कमरा, जहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो है इसको जगह नहीं है, यहाँ पर भर्ती नहीं करा जाएगा, जो लंबा लाइन में लगी थी ना कमरा नंबर 3 में जाने के लिए लाइन था। बाहर आई तो देखती है कि हमारा बेटी नहीं है, ये जोर जोर से चिल्लाने उल्लाने लगी, रोने उने लगी। ये लोग क्या विचार किए हुए था, श्रीनिवास धनशेखरन ये सब जो छोटका छोटपुनिया डॉक्टर सब जो था ये प्लान बनेने था इस लड़की को क्या करेंगे बेच दे, बेचने का जुगाड़ में था बस, समझ रहे? और उधर जो है 3 नंबर कमरा में मीटिंग चल रहा था ये सब का, ये बेचारी ग्रिल लॉक था, दोपहर का समय हो चुका था, 12-1 बज गया था, लंच का टाइम होता ग्रिल लगल था। अब बताओ ना जिसका माँ बाप हो लड़की जिंदा हो उसको लवारिस लाश की तरह कमरा नंबर 48 में घुसा के स्ट्रेचर को लॉक कर दिया गया। अब ये जो बेटी को जो देखी कमरा नंबर 48 में ग्रिल से खूब छटपटा रही थी और सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी हमारा बेटी को छोड़ दीजिए, ग्रिल खोल दीजिए, हम जाएंगे, बड़ी कोशिश कर रहे, नहीं हुआ। तब जाके कोई बड़ा आदमी जो था उसका भी पेशेंट को उसमें भर्ती किया गया था, तो उस समय वो क्या होता है कि ग्रिल खोलने के लिए पैसा वैसा घुस उस देता है तो ग्रिल खोलने के लिए आता है, जो ही गेट खोलता है ना कमरा नंबर 48 को पापाती बिना घुस उस दिल ही उसमें घुसती है और अपना बेटी को लेती है बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है उसी वक्त क्रिया खा लेती है कि नगर जो है सो कभी हम नहीं आएंगे और अपने गांव के एक वैदी शरण बाबा, कौन बाबा है वैदी शरण बाबा, उसको उनको कहा जाता है कि हे बाबा हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, मंदिर रास्ते में मंदिर मिलता ना तो उसको भावुत लगा देते ऐसे कर और कहते हे वैदी शरण बाबा हमारी बेटी ठीक हो जाएगी तो हम आपको 90 रेगारी धान चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? 90 कोबा मतलब कोबा ना है रेगारी, 90 रेगारी धान चढ़ाएंगे और बेचारी क्या होता है उससे सुन ले,
ये जो है फिर वही शाम के बस से घर आ जाती है, और घर आने के बाद वो सोच लेती है रास्ते में कि जाएंगे अपने देवी देवता से भभूत उभूत लगवा देंगे, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, बात समझ है ना। तो और इधर जो है जब बड़े डॉक्टर साहब छुट्टी किए तब आए तो पूछे कि पेशेंट कहाँ है, उसको लगा था कि डॉक्टर साहब एक बार कह दिए भर्ती कराना है तो हो गया, हुआ नहीं हुआ उसे कोई मतलब चले, लेकिन जब पढ़ा कर निकले तो पूछ दिए कि पेशेंट कहाँ है, पेशेंट को भर्ती क्यों नहीं कराया गया, तो कहते कि सीट खाली नहीं था। अब उसको झरनाएं चालू कर दी, नर्स मिरिंडा आर एकदम शांत थे, सबको झाड़े कि बताए लड़की मर जाएगी कल तक में, उसको तुम लोग को जहाँ से भर्ती कराओ उसको, रहे तब ना वो तो गाँव चली गई, उसको कहा कि जल्दी उसको भर्ती कराओ नहीं तो वो लड़की मर जाएगी कल तक। अब फिर क्या होता है कि बेचारी जाती है गांव में और उसके बाद जो है उस पपाती का मृत्यु हो जाता है इस कहानी में, बहुत करुणामय घटना है। उसके बाद ये जो है से कहानी